हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू सरवन आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं रेलवे के सबसे रिस्पेक्टेबल पोस्ट स्टेशन मास्टर के बारे में, जो कि दोस्तों रेलवे में लेवल 6 4200 ग्रेड बे का जॉब है। स्टेशन मास्टर का जो जॉब है दोस्तों रेलवे में, लोगों के नज़र में काफ़ी प्रतिष्ठित और रिस्पेक्टेबल जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवे में जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनका काम क्या होता है, यानी कि उनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, उनके पास पावर कितना होता है और वो प्रमोशन होके कहाँ तक जा सकते हैं, कौन से लेवल तक जा सकते हैं। प्लस में ये भी जानेंगे दोस्तों कि आप अगर रेलवे में स्टेशन मास्टर बनते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, पर मंथ जो है कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा, ठीक है, लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। और ये भी जानेंगे दोस्तों कि अगर आप रेलवे में स्टेशन मास्टर बनते हैं तो आपको कौन कौन से सुविधाएं रेलवे देगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, आपको पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो आपको नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, स्टेशन मास्टर, नाम पर आप ध्यान दीजिएगा, तो स्टेशन मास्टर यानी कि दोस्तों जिस स्टेशन पर वे रहते हैं वो स्टेशन के पूरे पूरे मास्टर होते हैं, यानी कि एक प्रकार से इंचार्ज होते हैं। जो भी वहाँ पे होता है दोस्तों काम, उनकी नज़र में होता है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से कोई भी काम का नज़र जो होता है वो स्टेशन मास्टर के नज़र में ही होता है। अगर जो मान लीजिए कोई भी स्टेशन पर कोई आपका मान लीजिए पैसेंजर को दिक्कत होता है, तो वो पैसेंजर शिकायत करने किसके पास आएगा, स्टेशन मास्टर के पास आएगा सबसे पहले। यानी कि स्टेशन का समझिए कि सबसे जो सीनियर पर्सन होता है वो समझिए कि एक स्टेशन मास्टर ही होता है। तो दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी प्रतिष्ठित जॉब है, ठीक है, स्टेशन पर काफ़ी सारे पब्लिक आते हैं, सभी लोग आपको जानेंगे कि यहाँ पे ये स्टेशन मास्टर हैं, सभी लोग आपको इज्जत करेंगे, सर सर करेंगे। तो देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, लोगों से मतलब कॉन्टेक्ट, मतलब डायरेक्ट जो पब्लिक है आपको देखेगी ये स्टेशन मास्टर है, ये मतलब लोगों के नज़र में आने वाला जॉब है। मतलब आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग होती है तो आप पब्लिक की नज़र में रहिएगा कि हाँ ये स्टेशन मास्टर सर है, तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है दोस्तों ये माने तो। और दोस्तों, पावर तो आप जान ही गए कि पावर क्या है इनके पास। देखिए, आपको क्या है कि जितना लोगों से कॉन्टेक्ट रहेगा, जितने लोग आपको जानेंगे, उतना आपको लगेगा कि हमारे पास हाँ पावर है, लोग आपको इज्जत करेंगे। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी इज्जत वाला जॉब है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, पूरे स्टेशन जो होते हैं इनकी निगरानी में होती है। तो जो स्टेशन मास्टर का जॉब है दोस्तों, जो पोस्ट है रेलवे में, वो दोस्तों ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आपका ऑपरेटिंग सब डिपार्टमेंट का जॉब है, यानी कि ऑपरेशनल वाला काम इन लोगों को देखना होता है। तो दोस्तों क्या, यानी कि ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने, जहाँ जिस स्टेशन पर ड्यूटी होती है उनकी, उस स्टेशन के द्वारा होते हुए ट्रेन को अच्छी तरह से मतलब पास करवाना उनकी ड्यूटी होती है। उनका दोस्तों क्या है कि मतलब जिस जितना टाइम तक उनकी ड्यूटी होती है उतना टाइम तक उनको क्या है कि काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, यानी कि दोस्तों उनकी एक गलती से कितना जो पैसेंजर होता है ट्रेन में उनका नुकसान हो सकता है। यानी कि दोस्तों, सीधा कहने का मतलब है कि जिस स्टेशन पर आपकी ड्यूटी होती है स्टेशन मास्टर के रूप में, उस स्टेशन पर यात्री को किसी भी प्रकार से कोई समस्या होता है, सीधा उसका जो हैंडल है वो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले लोग आप ही के पास आएंगे। इसके बाद दोस्तों, ट्रेन को सुचारू रूप से अपने स्टेशन से गुजारना उनका काम होता है। फिर दोस्तों कि उनका देखिए, वो हमेशा बिजी होते हैं, कभी ना कभी अगर जो बड़े स्टेशन पर ड्यूटी लग जाती है तो कभी ये स्टेशन से फ़ोन आ रहा है, तो कभी ये स्टेशन से फोन आ रहा है, कभी ऊपर कंट्रोलर के पास से फ़ोन आ रहा है। तो दोस्तों, वो जो क्या है कि उनको हमेशा मतलब ये जानकारी आते रहता है कि आपकी जो स्टेशन है उस स्टेशन से ये ट्रेन अभी गुजरने वाली है, उनको उसमें उनके पास फ़ोन आता है। फिर वो क्या करते हैं कि उनके पास जानकारी आ जाता है, सबसे पहले जिस स्टेशन पर पोस्टिंग होती है उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को जानकारी होती है कि ये ट्रेन आने वाली है। फिर वो क्या करते हैं कि आपका जो स्टेशन के इधर हो गया, स्टेशन के अप में, स्टेशन के डाउन में जो भी मतलब गेट आते हैं, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग गेट आते हैं, ऑपरेटिंग गेट आते हैं, उस गेट को वहाँ के जो गेटमैन होते हैं उसको कॉल करके वो बताते हैं कि हाँ ट्रेन आने वाली है, आप गेट को क्लोज कीजिए। स्टेशन मास्टर के ऑर्डर पे ही पॉइंट्समैन और गेटमैन काम करते हैं, ठीक है, गेट को क्लोज करते हैं। तो ये काम स्टेशन मास्टर का सबसे मेन काम यही है, ठीक है, कि ऊपर से कंट्रोलर फ़ोन किए तो उनको फिर का काम क्या होता है, उनको सिग्नल देना, ठीक है, कि अपने स्टेशन को सिग्नल देना, जो आपका लेवल क्रॉसिंग गेट होता है इंटरलॉकिंग, ठीक है, वहाँ पे सिग्नल जो है सिग्नल जो है वो तो पॉइंट्समैन ही देता है,
और उनका जो दोस्तों काम होता है सिग्नल देना, सिग्नल का जो भी कंट्रोल होता है वो भी स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है, प्लस में ट्रेन को कौन सा पटरी पे भेजना है, ठीक है, मतलब पटरी चेंज करवाने का काम भी स्टेशन मास्टर को होता है, ड्राइवर का कोई काम नहीं होता है। ड्राइवर का काम होता है सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त सिग्नल को देखना, ट्रेन को रोकना, ठीक है, और ट्रेन को चलाना। अब बाकी चलते टाइम कोई फॉल्ट आता है तो वो सब ड्राइवर को देखना होता है। पटरी चेंज करने का काम स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है कि कौन सी ट्रेन को कौन सी पटरी पे भेजना है, ठीक है, ये सब काम मेन हुआ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों क्या है कि देखिए, जो स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी है वो 24 आवर्स में आपको कभी भी इसकी ड्यूटी लग सकती है, यानी कि दोस्तों आपको नाइट भी करना पड़ सकता है और डे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि दोस्तों 24 आवर्स में कभी भी ट्रेन बंद नहीं होता है, हमेशा जो ट्रेन का पहिया होता है वो चलता होता है, ठीक है, मतलब चलता ही रहता है, कभी भी ट्रेन बंद नहीं होता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों क्या है कि इसीलिए स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी है कभी भी लग सकती है, तो इसमें दोस्तों थोड़ा नाइट डे में प्रॉब्लम होता है ड्यूटी करने में, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि नाइट जो है वो सोने के लिए बनाया गया है, तो नाइट में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके लिए रेलवे क्या करती है, पैसे देती है अलग से, नाइट ड्यूटी अलाउंस लगभग 290 रुपये आपको देती है, एक दिन का एक्स्ट्रा देती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मतलब पूरा ऊपर ऊपर ये पता चल गया कि स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है। तो जो स्टेशन मास्टर का जो ड्यूटी का जो हावर्स होता है 24 घंटा में उनको 8 घंटा का जनरली होता है, जनरली 8 घंटे का होता है, लेकिन दोस्तों ये चेंज हो जाता है वहाँ पे जहाँ मान लीजिए काफ़ी बिजी स्टेशन पर आपकी ड्यूटी लग जाती है, काफ़ी बिजी स्टेशन है, बिजी शेड्यूल है, वहाँ पे काफ़ी ट्रेन आती जाती है, तो वहाँ पर आपको क्या है कि केवल 6 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों क्या है कि अगर जो मान लीजिए काफ़ी छोटा स्टेशन पर ड्यूटी लग गया है, जहाँ पे मान लीजिए दिन भर में एक ट्रेन दो ट्रेन जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपकी ड्यूटी रहेगी वहाँ पे आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी ड्यूटी 12 घंटे की भी लग सकती है, 8 घंटे की भी लग सकती है और 6 घंटे की भी ले सकते हैं, बड़े स्टेशन पर 6 घंटे की, मीडियम स्टेशन पर 8 घंटे की और छोटे स्टेशन पर 12 घंटे की ड्यूटी आपकी लग सकती है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं इनको पैसे कितनी देती है रेलवे, और आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है एक स्टेशन मास्टर को रेलवे में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि इनको सैलरी कितनी देती है रेलवे। तो दोस्तों सैलरी जो स्टेशन मास्टर को दिया जाता है वो लेवल 6 के अनुसार दिया जाता है। लेवल 6 पुरानी बात करो ग्रेड पे के अनुसार पुराना चलता था, तो पुरानी बात करें तो 4200 ग्रेड पे के अनुसार। तो दोस्तों जो लेवल 6 में इनकी जो सैलरी दी जाती है वो बेसिक पे होता है फर्स्ट में, ठीक है, बेसिक पे होता है दोस्तों 35,400 होता है लेवल 6 वालों का, जैसे हम लोग का भी है दोस्तों लेवल 6 जूनियर इंजीनियर, तो हम लोग का भी जो बेसिक पे है 35,400 है, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों अलाउंस मिलती है दोस्तों, वो सबसे पहला आपका मिलने वाला अलाउंस है डियरनेस अलाउंस, जिसको दोस्तों महंगाई भत्ता बोला जाता है। महंगाई भत्ता दोस्तों अभी क्या है कि 2022 में क्या है कि दिसंबर तक आपका 38% था, लेकिन दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि जनवरी 2023 से जो आपका डीए रहेगा वो 42% हो जाएगा, यानी कि 42%। अब 42% हो जाएगा दोस्तों, हमें भी 100% चांस है, मतलब ये लगता है कि 42% डीए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम डीए मान लेते हैं कि 42% हो जाता है, तो दोस्तों अगर जो 35,400 के हिसाब से हम निकालते हैं 42%, ठीक है, तो आपका जनवरी 2023 के हिसाब से आपका जो डीए हो जाएगा दोस्तों 14,868 रुपये, यानी कि 14,868 रुपीज़ आपको डियरनेस अलाउंस के रूप में मिलेगा जनवरी 2023 से के अनुसार। अब दोस्तों क्या है कि देखिए, ट्रेनिंग में जो आपकी सैलरी होती है केवल बेसिक पे और डीए दिया जाता है, ऑनली बेसिक पे और आपको डीए मिलेगा, ठीक है, बेसिक पे और डीए मिलेगा, ट्रेनिंग बाद और भी अलाउंस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों बेसिक प्लस डीए की बात करें आपका, तो आपका हो जाता है ट्रेनिंग में सैलरी 50,268 रुपये, यानी कि 50,268 रुपीज़ आपको जनवरी 2023 के हिसाब से मिलेगा, जो कि दोस्तों मैंने जो डीए काउंट किया है वो 42% काउंट किया है, ये दोस्तों कंफर्म हो जाएगा 42%, मैंने काफ़ी एनालिसिस करके ये आपको बताया है। तो दोस्तों यानी कि आप अभी 2023 में ज्वाइन करते हैं आप स्टेशन मास्टर के रूप में, तो आपको दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलेगी, जो जनवरी से सैलरी होगा, वो 50,268 रुपये ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगा। अब दोस्तों बहुत लोग ये पूछते हैं कि स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, तो ट्रेनिंग जो होता है दोस्तों आपका जनरली 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 90 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसमें दोस्तों 75 दिन जो होता है केवल वर्किंग डे होता है, यानी कि संडे को काउंट ना करें, तो अगर ये संडे वनडे काउंट करें दोस्तों तो टोटल 90 दिन हो जाता है,
जिसमें आपको 90 दिन की सैलरी दी जाती है, 3 महीने की सैलरी आपको ट्रेनिंग पीरियड में दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो ट्रेनिंग बाद मिलने वाला और भी अलाउंस होता है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ट्रेनिंग बाद दोस्तों आपका पहला मिलने वाला अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि दोस्तों अगर आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं तो रेलवे आपको पर मंथ HRA के रूप में आपको सैलरी में ऐड करके पैसे देती है। तो दोस्तों ये जो HRA होता है वो आपका स्टेशन के अनुसार डिफरेंट होता है। अगर जो आपकी पोस्टिंग छोटे स्टेशन पर होती है तो आपको 9% का HRA मिलता है। अगर जो आपकी पोस्टिंग मीडियम स्टेशन पर होती है तो आपका जो HRA होगा वो 18% होगा, बेसिक का ये सब होगा परसेंटेज। और दोस्तों अगर जो आपकी पोस्टिंग बड़े स्टेशन पर होती है तो आपका 27% होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हम ज्ञात करें आपका 35,400 का 9% निकालते हैं, तो दोस्तों आप 18% निकालते हैं, 27% निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से होगा आपका, यहाँ डिस्प्ले पर देख सकते हैं आपका शो हो रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि इसके बाद जो आपका मिलने वाला अलाउंस है आपका वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों रेलवे आपको घर मतलब अपने क्वार्टर से अपने घर से ड्यूटी आने जाने के लिए खर्चे देती है, ठीक है। वो दोस्तों क्या है कि ये भी आपका महंगाई भत्ता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जो दोस्तों आपकी पोस्टिंग अगर जो आपका छोटे सिटी में है, ठीक है, तो आपका जो है 1800 का जितना महंगाई भत्ता चल रहा है 42% उतना आपको दिया जाएगा। बड़े सिटी में है तो आपका 3600 का 42% अगर जो बड़े सिटी में है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर जो आप निकालते हैं तो आपका इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपका आपको TA के रूप में दिया जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दिया जाता है। इतना हो गया दोस्तों, ये आपका परमानेंट सैलरी हो गया, ठीक है। इतना रेलवे आपको क्या है कि हर मंथ देती है। इसके बाद दोस्तों अब एक्स्ट्रा बात आते हैं, एक्स्ट्रा दोस्तों क्या है कि अगर जो आपकी ड्यूटी एक्स्ट्रा लगती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या है कि रेलवे OT देती है, ठीक है, ओवर टाइम के लिए अलग से वो पेमेंट करती है। वो दोस्तों आप अगर जो ओवर ड्यूटी करते हैं तब आपको वो मिलता है, ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं तब। इसके बाद दोस्तों अगर जो मान लीजिए आपकी जो स्टेशन पे आपको मान लीजिए स्टेशन पे कोई और स्टेशन पे पोस्टिंग है, लेकिन कहीं आपको कोई और स्टेशन पे ड्यूटी करने जाना पड़ रहा है, ठीक है, स्टाफ की कमी की वजह से, तो वहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं कि रेलवे 800 रुपये पर डे का ट्रैवलिंग अलाउंस आपको देती है। अगर जो आप 12 घंटे के लिए से ज़्यादा कहीं भी जाते हैं तो आपको 800 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। ये सब दोस्तों एक्स्ट्रा है, ठीक है। सैलरी जो हम मेन बताए वो वहीं तक था, ठीक है। बाकी अगर जो आप ये करते हैं तो मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर जो आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी रेलवे आपको देती है, लगभग 293 रुपये पर मंथ पर डे के हिसाब से रेलवे आपको देती है नाइट ड्यूटी अलाउंस। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि मंथ में क्या करते हैं, कुछ नाइट ड्यूटी भी मान लेते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको मिल जाता है, ठीक है, OT भी मिल जाता है, ओवर टाइम आप ड्यूटी करते हैं, तो इन सबों को मिला के दोस्तों लगभग क्या है कि स्टेशन मास्टर की जो टोटल सैलरी हो जाती है दोस्तों 60+ सैलरी हो जाती है, आराम से 60 से 70 के बीच में इनकी सैलरी होती है। ये डिपेंड करती है उनके नाइट ड्यूटी के ऊपर कि कितने उन्होंने नाइट ड्यूटी किया है और कितने उन्होंने ओवर टाइम ड्यूटी किया है और कितने उन्होंने बाहर जाके ड्यूटी किया है ताकि उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सके। तो दोस्तों क्या है, कभी कभी तो क्या होता है कि OT लोगों का इतना हो जाता है स्टेशन मास्टर का, तो कभी कभी उनकी सैलरी लाख पार कर जाती है, ठीक है, लाख कम से कम सैलरी होती है उनकी। तो दोस्तों OT के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी, लेकिन नॉर्मली जो सैलरी होता है दोस्तों वो स्टेशन मास्टर अगर जो आप बनते हैं 2023 में तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में मिलेगा मोटा मोटी तौर पे, ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि प्रमोशन होके कहाँ तक जा सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट तक जा सकते हैं स्टेशन मास्टर। तो दोस्तों बात करें स्टेशन मास्टर की प्रमोशन की, तो सबसे पहले दोस्तों आपका फर्स्ट प्रमोशन लगता है दोस्तों तो आप बनते हैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट, जो कि दोस्तों लेवल 7 का जॉब है, ठीक है दोस्तों। आपका जनरली जो प्रमोशन होता है दोस्तों यहीं तक आपका प्रमोशन होता है, ठीक है, जनरली बात करें तो बिना एग्जाम की। इसके बाद दोस्तों अगर जो आपको ऊपर जाना है, आपको यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है AOM यानी कि असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर, इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों डिविजनल, आपका डिविजनल लिखा हुआ है ऑपरेशनल मैनेजर। इसके बाद और भी होते हैं दोस्तों सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर। तो दोस्तों SS के बाद यानी कि आपका SS स्टेशन सुपरिटेंडेंट के बाद जो पोस्ट है वो आपका गेजेटेड का पोस्ट है, ऑफिसर रैंक का पोस्ट है। वहाँ पर अगर जो आप जाते हैं तो वो ऑफिसर बनते हैं आप। तो वहाँ पर आपको जाने के लिए दोस्तों यानी कि SS से ऊपर आपको जाने के लिए, ठीक है, आपको क्या है कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप LDC के थ्रू, जो कि ग्रुप बी में आते हैं दोस्तों, LDC के थ्रू आप
रेलवे में ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है, जिसका 30% LDC और 70% सीनियरिटी बेस पे एग्जाम होता है, तब आप रेलवे में गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं, नहीं तो जनरली जो प्रमोशन होता है SS तक ही होता है, ठीक है, आपको ऊपर जाने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। फिर एक बार दोस्तों अगर जो आप AOM बन गए तो फिर आप कुछ दिन कुछ साल बाद DOM बन जाते हैं और कुछ साल बाद आप सीनियर DOM भी बन जाते हैं। तो मेन क्या है कि आपको एक गेजेटेड रैंक एग्जाम के थ्रू प्राप्त करना है, एक गेजेटेड रैंक अगर जो आप एग्जाम के थ्रू प्राप्त कर लिए तो आप सभी गेजेटेड रैंक में प्रमोशन पा सकते हैं फिर बिना एग्जाम के, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका जो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए Level 6 में, ठीक है, यानी कि स्टेशन मास्टर में या SS में कम से कम 5 साल आपको जॉब करना होगा, इसके बाद ये एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से था स्टेशन मास्टर का कुछ प्रमोशन का क्राइटेरिया। अब दोस्तों जानते हैं कि जॉब कैसा है। तो दोस्तों मिला जुला के चले तो जॉब काफ़ी अच्छा था दोस्तों, काफ़ी रिस्पेक्टेबल। थोड़ी सी क्या है कि दोस्तों इसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है, मतलब स्ट्रेस वाला काम है, ठीक है। कोई कोई अथि में क्या है, कोई कोई बोर्ड में जो है जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर बनते हैं लोग, ठीक है, कंट्रोलर जो होते हैं उनको स्ट्रेस अलाउंस भी रेलवे देती है, लेकिन स्टेशन मास्टर को भी स्ट्रेस अलाउंस देना चाहिए। इसके ऊपर वो चल रहा है अभी, ठीक है, बातचीत चल रही है। तो उनका क्या है कि हमेशा क्या है कि बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, कभी ये कान में फ़ोन, ये कान में फ़ोन, इधर से फ़ोन, उधर से फ़ोन, कोई किसी के साथ प्रॉब्लम हो गया यात्री के साथ, वो अलग आके दिमाग चाटेंगे। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे होता है, थोड़ी सी दिक्कत इस जॉब में, ठीक है। रात को आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, कभी OT करना पड़ेगा, कभी कभी लोग 24 घंटे भी ड्यूटी करते हैं स्टाफ की कमी की वजह से। पैसे मिलेंगे आपको, पैसे भरपूर मिलेंगे OT कीजिएगा तो। आप रात को अगर 6 घंटा ड्यूटी करते हैं तो डायरेक्ट वो आपका 12 घंटा काउंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होता है रेलवे की स्टेशन मास्टर की ड्यूटी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों रेलवे का जो सुविधा आपको मिलता है स्टेशन मास्टर को दोस्तों, आप वो जो सभी स्टाफ को मिलता है रेलवे में, Level 6 में आप रहते हैं तो आपको दोस्तों क्या है कि एक AC का पास आपको मिलता है, AC का आपको पास मिलता है, जिसको AC का पास मिलता है आपको एक सेट, ठीक है, 5 साल तक एक सेट मिलता है, फिर 5 साल बाद और बढ़ा दिया जाता है। और दोस्तों आपका जो चार्ज होता है आपका PTO मिलता है, जिसमें आपको PTO मिलता है, जिसमें आप क्या है कि AC जो सेकेंड AC है वहाँ तक आप बुकिंग करवा सकते हैं 1/3 पैसे देकर, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर जो रेलवे में स्टेशन मास्टर बनते हैं तो रेलवे का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे का बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है जिसमें अच्छी इलाज होती है, ठीक है। तो उस जो मेडिकल फैसिलिटी है आपको रेलवे, जो आप स्टेशन मास्टर बनते हैं तो रेलवे फैसिलिटी आपको मिलती है अच्छी खासी। ये जो फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों आपका, आपको मिलेगी और आपको वाइफ को मिलेगी और आपके बच्चे को मिलेगी, अगर जो मम्मी पापा में से कोई एक नहीं है तो उन लोगों को भी मिलेगी, तो ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।